आप जानते हैं कि रेम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और पास वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दो, और साथ ही साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दो। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव सीडी आते हैं। और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में ही होता है, ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। रैम का मतलब रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इससे वॉलेटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें हम कुछ भी सेव करके कभी भी डिलीट और उसे देख सकते हैं। रैम दो तरह की होती है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। तो बात करते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम पहले से ही स्टोर होते हैं और उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसीलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम तीन टाइप की होती है, फर्स्ट रोम, सेकेंड रोम, थर्ड रोम। बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रैम को टेम्पररी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और रोम को परमानेंट स्टोरेज के लिए। रैम को सीपीयू के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, और रोम को सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है और रोम की स्लो। रैम का साइज 64 MB से 16 GB तक होता है, लेकिन रोम का इतना नहीं होता है। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकती, जबकि रोम के बिना, रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी अमेजिंग फैक्ट से जुड़ी अगली वीडियो में।